नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं चंदन लाल जी। ये एक रीजन मुखिया रह चुके हैं और इस बार चुनाव में ये पंचायत समिति सदस्य के लिए उम्मीदवार हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनका टर्म जब ये मुखिया थे उस वक्त का कार्यकाल कैसा रहा, कौन कौन से विकास कार्य इन्होंने अपने समय में किए। सबसे पहले चंदन लाल जी, स्वागत है आपका सिल्क टीवी पर। सबसे पहली बात कि ग्राम पंचायत गोराडे के सभी जनता की ओर से सिल्क टीवी के जितने भी आए हुए लोग हैं सबका शुक्रिया और धन्यवाद। ग्राम पंचायत गोराडी, आपने बताया कि ग्राम पंचायत गोराडी से आप एक टर्म मुखिया रह चुके हैं 2011 से 2016 आप मुखिया रह चुके हैं। 5 साल का कार्यकाल था, एक ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हद तक विकास करने के लिए इतना समय काफ़ी होता है, सरकार फंड भी बहुत देती है। क्या लगता है आपको, जब आप एक रीजन मुखिया थे उसके बाद आपने चुनाव लड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया मुखिया पद के लिए? मुखिया पद के लिए चुनाव इस वास्ते नहीं लड़े कि ये आरक्षण सीट हो गया, महिला की सीट हो गई और हम अनमैरिड लोग हैं, इसी वास्ते हम चुनाव नहीं लड़े। और इस बार मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहा हूं और भरपूर कोशिश करूंगा कि सीट निकालें और प्रमुख का प्रबल दावेदार बनूं और प्रमुख बने। मतलब महिला सीट रिजर्व होने के कारण आप जीतते हुए, आपने जीता था एक टर्म चुनाव, उसके बाद भी आपने नहीं लड़ा क्योंकि महिला सीट रिजर्व थी। क्या लगता है आपको, इस बार आप पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रमुख का दावेदारी पेश करने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि आप प्रमुख की दावेदारी पेश करेंगे, कैसा रहेगा आपका इस बार चुनावी मुद्दा, किन मुद्दों पर आप चुनाव वोट मांगने जाएंगे अपने जनता से? विगत 5 साल जो पहले मैंने कार्य किया है उसी कार्य को देखते हुए पंचायत के लोगों से मैंने वोट मांग रहा हूँ कि जो भी उनसे छोटे बड़े कार्य हैं वो आगे कार्य करेंगे। और मैं पंचायत में बहुत कार्य किया हूँ, मनरेगा के द्वारा बहुत कार्य किया गया है, मेरे द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया था इस पंचायत में, पूरे प्रखंड में सबसे मनरेगा द्वारा 82 रुपया मेरे द्वारा खर्च किया गया था इस पंचायत में। चलिए, सबसे पहले तो आप अभी पंचायत चुनाव समिति के चुनाव में चुनाव जीतेंगे, उसके बाद फिर आप प्रमुख के लिए चुनाव, क्या लगता है आपको आपका पहला एम क्या होगा, पहला काम क्या होगा यदि आप प्रमुख बनते हैं तो? जनता जब आपको वोट देगी, आपको जिताएगी, तो जनता के सौगात के लिए, जनता को धन्यवाद करने के लिए आप गांव में क्या ऐसा विकास कार्य करेंगे, आपका पहला एम कहां रहेगा? मेरा पहला एम रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी लाभुकों का नाम जुड़वाएं, राजनीतिक के तहत 4 नंबर 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर और 8 नंबर और 9 नंबर में नाम नहीं जोड़ा गया है। चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला उद्देश्य रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी लोग छूटे हुए लोग हैं सबका नाम जोड़ा जाएगा और सबको आवास मुहैया कराया जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का जहाँ नाम आता है चंदन लाल जी, वहाँ पर लूट खसोट सबसे चरम पर आ जाता है। अब आप ये बताइए, यदि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं जुड़ा है तो क्या लगता है आपको, आने वाले समय में जब आप जुड़वाएंगे तो उस वक्त बिचौलियों की या दलालों की भरपूर वैकेंसी रहेगी, यानी कि लूट खसोट जारी रहेगा, या फिर आप उस पर भी लगाम लगाएंगे? उस पर तो पूरा लगाम रहेगा, बिचौलियों का कोई यहाँ नहीं रहेगा इस पंचायत में। और मैं पहले भी 5 साल रहा हूँ, अच्छे से पंचायत चलाया हूँ, उसी का अनुभव इस विगत वर्ष 5 साल में साझा करेंगे। अच्छा, 5 साल आप मुखिया थे, आपने 5 साल मुखिया का काम किया, गांव में जो भी विकास कार्य था आपने किया, क्या लगता है आपके क्षेत्र की जनता आपके 5 साल 10 साल पुराने विकास कार्य को देख के या 10 साल पुराने आपके जो भी कार्य हुए थे, जो भी आपने किया था, उन सभी चीज़ों को देखकर, उन सभी चीज़ों को मुद्दा बनाकर आपको वोट देगी, या फिर कोई जातीय समीकरण या फिर क्षेत्रीय समीकरण ऐसा कुछ भी राजनीतिक स्टंट आपको खेलना पड़ेगा? जातीय समीकरण नहीं है, हम ऐसे भी लोकप्रिय लोग हैं, हमको सभी जाति का मत प्राप्त है और मैं रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतूंगा इस बार जी। नहीं, देखिए, ग्रामीण राजनीति या फिर कहें तो पंचायती राज चुनाव जो भी होता है, ग्रामीण जिला पार्षद कह दें, मुखिया कह दें, वार्ड पार्षद, इन सभी चुनाव में जातीय समीकरण बहुत अहम भूमिका निभाती है, इससे इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये बिहार और झारखंड, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में बहुत हद तक देखा जाता है। अब आप जैसा कह रहे हैं कि विकास को देखते हुए आपको वोट किया जाएगा, या फिर आप लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, क्या कारण है आप इतने लोकप्रिय क्यों हैं? आप कोई एक दो विकास कार्य ऐसा बताएं जो आपने अपने रीजन में किया हो, जिसको लेकर जनता अब भी आपका नाम लेती है। सबसे पहली बात कि मैं सब दिन पंचायत में रहा हूं और लोगों के बीच में रहा हूं, मुखिया नहीं रहते हुए भी लोग का मैंने काम किया है, चाहे अंचल का कोई काम हो, ब्लॉक का काम हो, थाना हो या डिस्ट्रिक्ट का कोनो काम हो, पंचायत वासियों के लिए हम मुखिया नहीं भी थे तो 5 साल अपने पंचायत के लोगों के बीच में रहे, हर सुख दुख साथ रहे। मतलब
पद या कुर्सी आपके लिए मायने नहीं रखती, आप जन सरोकार के लिए हमेशा से काम करते आए हैं और यही कारण है कि आज आप ताल ठोक रहे हैं कि जनता आपको वोट देगी और आप इतने आश्वस्त हैं कि हाँ आप जीतेंगे। क्या लगता है आपको, प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति बनने के बाद आम लोगों की वोटिंग नहीं होगी, वो पंचायत समिति सदस्य वोटिंग करेंगे, फिर प्रमुख का चुनाव, वो कितना मुश्किल होगा आपके लिए? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, प्रखंड स्तर में सभी लोग हमको जानते हैं और सभी लोग प्रखंड स्तर की आवाज़ एक प्रमुख लायक योग उम्मीदवार यही है जीत के आवे और ये प्रखंड का दायित्व संभालें और प्रखंड को बढ़िया से चलावें। चलिए, ये थे हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य के लिए भावी उम्मीदवार चंदन लाल जी। इन्होंने बताया कि ये एक टर्म मुखिया रह चुके हैं, उस दौरान इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य किया। इन्होंने बताया कि ये मुखिया नहीं रहने के बावजूद गांव में हर जनता के सुख दुख में ये हमेशा साथ रहे और यही कारण है कि आज ये ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इनकी जीत सुनिश्चित है। हम आपको लगातार चुनावी माहौल से अवगत कराते रहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, हर प्रत्याशियों के वादे और बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप यदि ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। जय हिंद।